उनकी चूड़ी। वो निर्भर करता है तुम किस साइट या ऐप पे हो। जैसे जब कोई टिंडर पे चैटिंग कर रहा है तो सबको पता किस बारे में बात हो रही है। फाइनली ये प्लेटफॉर्म जहाँ बिना रोक टोक के गवर्नमेंट को गाली दे सकते हैं। नमस्ते जी। लेकिन जैसे तुम टिंडर पे बात करते हो वैसे असली जिंदगी में करोगे तो सोसाइटी का थप्पड़ लगेगा और निष्कासित कर दिए जाओगे। ऐसी थूत रगड़ाई होगी जो कोहिनूर की चमक दे दे। और अब ये साइट्स ऐप सिर्फ एक कनेक्टिंग पॉइंट नहीं बल्कि एक कल्चर बन चुके हैं। जैसे यूट्यूब या रेडिट, जितना कूल तुम्हें कल्चर लगेगा उतना तुम उसका हिस्सा बनना चाहोगे। पहले तुम सिर्फ उन कूल लोगों को देखोगे, फिर तुम उन कूल लोगों को रेप्लिकेट करने की नाकाम कोशिश करोगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी अपनी पहचान बन जाएगी और उस वक्त जो लोग कल्चर में नए नए आए होंगे वो तुम्हें कूल समझेंगे। ये बात बड़ी क्यों है क्या चूड़े? क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ चाहे असली जिंदगी में लोग तुम्हें बोलते हो तेरा पसीना पे भोपड़ी ना गया इधर, पर वहाँ लोग तुम्हें तब भी कूल समझते हैं। उस कल्चर का हिस्सा होना जान बचा सकता है क्योंकि हम सबको एक ही चीज चाहिए। आपके नजदीकी चूतड़ों में नहीं नहीं, हम जैसे हैं हमें उस चीज की इज्जत चाहिए। जो जगह वो देती है हम वहीं के। हम सब इंटरनेट कल्चर का हिस्सा हैं, जो और छोटे छोटे कल्चर्स में बटा हुआ है। ये छोटे छोटे कल्चर्स एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कभी कभार एक दूसरे में घुल के एक बड़ा कल्चर बना लेते हैं। इसी खिलवाड़ को कहते हैं सोशल मीडिया कल्चर।